हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। तो आज हम लोग क्लास 12 के चैप्टर 3 में स्टडी करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है ओम्स लॉ से, और ओम्स लॉ के बाद ठीक है रेजिस्टेंस को भी हम लोगों ने समझ लिया है। अब यहाँ पर हम समझेंगे कि किसी सर्किट में अगर मुझे एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस अगर कनेक्ट करना है तो हम किस तरीके से उसे ऐड करेंगे और टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में कितने टाइप का कॉम्बिनेशन होगा? तो बेसिकली दो टाइप का होता है, एक कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा कहलाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, और जो तीसरा होता है वो मिक्स होता है। सीरीज और पैरेलल दोनों को मिला देंगे तो वो मिक्स कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम सिंबल समझते हैं कि रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है। तो रेजिस्टेंस का सिंबल होता है इस तरह से। ठीक है, ये सिंबल है रेजिस्टेंस का सिंबल है। तो अब यहां पर हम लोग समझेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। सबसे पहले हम लोग समझेंगे सीरीज। तो सीरीज के लिए सबसे पहले हमें करना यह है कि एक सर्किट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो यहां पर एक मैंने सर्किट ड्रॉ किया है। ठीक है, यहां पर मैंने एक सर्किट ड्रॉ करा है जिस सर्किट में तीन रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। ठीक है, एक यहां से ए और बी हो गया, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है आर वन, इस रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस है आर वन, इसका आर टू और इसका आर थ्री। ठीक है, ये पोटेंशियल मैंने दिया है वी, यहां से करंट आई, करंट यहां से निकलकर इस टर्मिनल से होकर इस टर्मिनल तक ठीक है आएगी। ठीक है, इसके बाद देखें तो यहाँ पर समझना यह है कि यहाँ पर इस कंडीशन में सर्किट में जब मैं एक करंट को भेजूंगा, यहाँ से चार्ज पार्टिकल को भेजूंगा, तो होगा ये कि जो भी चार्ज पार्टिकल होंगे यहाँ से जाएंगे, जब वो ए के पास पहुँचेंगे तो उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है जाने के लिए। ए से बी तक पहुँचने के लिए सारे चार्जेस के पास एक ही रास्ता है। इस वजह से जो चार्ज होगा और जो टाइम होगा, ठीक है, चार्ज फ्लोइंग आई का वैल्यू क्या होता है? आई अगर आप देखें तो होता है चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड। ठीक है, तो हर पॉइंट पर जो चार्ज फ्लोइंग पर सेकंड होगा वो एक्चुअली में सेम होगा। तो सेम होने की वजह से यहां पर भी करंट आई ही होगा। ठीक है, इस पॉइंट पर भी करंट आई ही होगा, इस पॉइंट पर भी करंट आई ही होगा और यहां पर भी, मतलब कि पूरे सर्किट में करंट सेम होगा। ठीक है, तो एक चीज समझे, सीरीज में आई जो होगा वो सेम होगा हर जगह। ठीक है, क्यों सेम होगा? क्योंकि चार्ज फ्लोइंग बाय टाइम, और हर पॉइंट पर जब आप चार्ज और टाइम को देखेंगे तो सब जगह आपको चार्ज अपॉन टाइम का रेशियो हमेशा एक जगह एक जैसा ही मिलेगा। इस वजह से करंट पूरे सर्किट में सेम होता है। अब बात यहाँ यह है कि जो वोल्टेज मैंने दिया है वो वोल्टेज यहाँ पर कुछ ना कुछ ड्रॉप होगा, क्योंकि वोल्टेज जो है वो एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन को आप एनर्जी देते हैं। तो जब आप इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देंगे तो वो एनर्जी कुछ यहाँ पर खर्च होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस मतलब अपोज करना, तो कुछ यहां पर खर्च होगा, उसके बाद जो बचेगा वो यहां पर खर्च होगा, उसके बाद जो बचेगा वो यहां पर खर्च होगा। इसका मतलब यह है कि जो जो वोल्टेज आप दीजिएगा वो हर जगह वोल्टेज क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मतलब R1 के लिए V1 वोल्टेज, R2 के लिए V2 वोल्टेज और R3 के लिए V3 वोल्टेज। मतलब कि सीरीज में आई सेम होगा लेकिन वोल्टेज जो होगा वो डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, तो अब यहां पर हमें टोटल रेजिस्टेंस के लिए काम करना है। तो टोटल रेजिस्टेंस के लिए काम करने के लिए हम एक काम ये कर सकते हैं कि अगर हम फॉर आर वन के लिए सारा चीज लिखें, तो फॉर आर वन के लिए अगर हम सारा चीज लिखेंगे तो रेजिस्टेंस हो जाएगा। अगर हम फॉर आर वन, आर वन के लिए ओम्स लॉ लगाएं तो ओम्स इज इक्वल टू क्या होता है, वी इज इक्वल टू आई आर। तो अगर हम आर वन के लिए काम करें ओम्स लॉ, ठीक है, तो ओम्स लॉ हो जाएगा वी वन इज इक्वल टू आई आर वन। अगर हम R2 के लिए काम करें, फॉर R2 रेजिस्टेंस 2 के लिए काम करें तो V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ से हम जानते हैं, तो ये हो जाएगा V2 इज इक्वल टू आई आर टू। ठीक है, उसी तरह अगर हम V3 के लिए काम करें, फॉर R3, R3 के लिए अगर हम काम करेंगे तो देखेंगे कि V इज इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ से, तो ये हो जाएगा V3 इज इक्वल टू आई आर थ्री। ठीक है, ये मैंने सब रेजिस्टेंस के लिए ओम्स लॉ लगाकर एक रिलेशन निकाल लिया वोल्टेज और करंट और रेजिस्टेंस के फॉर्म में। अब यहां पर देखें तो अगर हम टोटल रेजिस्टेंस मतलब V इज इक्वल टू देखने का कोशिश करें तो हम इस तरीके से देखेंगे कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 आएगा। तो जब V इज इक्वल टू V1, तो यहां पर V क्या है, ये V टोटल है, टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3।
तो जब हम वी टोटल के लिए अगर हम ओम्स लॉ लगाएं तो वी टोटल इज इक्वल टू मिलेगा मुझे आई टोटल, ठीक है, आई टोटल इंटू आर टोटल, ये दोनों, ठीक है। तो वी टोटल के लिए अगर हम यहां पर वैल्यू डाल दें तो ये हो जाएगा आई जो टोटल करंट है वो, और आर टोटल, तो जो टोटल रेजिस्टेंस है वो एक्चुअली में कैसे जुड़ा हुआ है, सीरीज में जुड़ा हुआ है। तो यहां हम लिख देंगे इसके बेस में एस, वी वन वाला वैल्यू यहां से उठाकर पुट कर देंगे आई आर वन, यहां से पुट कर देंगे आई आर टू, यहां से पुट कर देंगे आई आर थ्री। अब देखिए सब में से आई कॉमन लेकर अगर आप कैंसिल कर दें तो आर एस इज इक्वल टू आ जाएगा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। तो ये सीरीज का फॉर्मूला निकल कर आ गया, ठीक है। सीरीज का फॉर्मूला अगर हम एन रेजिस्टेंस के लिए काम करें, फॉर एन रेजिस्टेंस, तो जब आप एन रेजिस्टेंस के लिए काम कीजिएगा तो आर एस इज इक्वल टू आ जाएगा आर एस इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस डॉट 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 प्लस कहां तक, तो आर एन तक, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। इससे एक चीज देखें कि ये अगर मान लेते हैं सब एक एक ओम का है, यहां पर जो मेरे पास तीन रेजिस्टेंस है तीनों अगर वन वन ओम के हैं तो टोटल कितना हो जाएगा थ्री ओम। इसका मतलब यह है कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस आर इज हाई, रेजिस्टेंस जो होगा वो ज्यादा होगा, ठीक है। जब आर ज्यादा होगा तो इस वाले रिलेशन से अगर हम देखें, ठीक है, अगर हम देखें वी आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, तो आर जब हाई होगा तो आई विल बी लो, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ये होता है कि रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा और करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ये पूरे इक्विवेलेंट कहने का मतलब ये होता है कि अगर हम इस तीनों रेजिस्टेंस के जगह पर एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाएं तो ये तीनों जितना देगा ये अकेला उतना देगा। तो हम ये कहेंगे कि ये तीन इस एक के इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग आर एस भी लिखते हैं और इक्विवेलेंट भी लिखते हैं। तो ये हमारे सीरीज का फॉर्मूला आ गया कि जब सीरीज में होगा रेजिस्टेंस तो कैसे हम टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं पैरेलल के लिए, ठीक है। तो पैरेलल के लिए देखिए, पैरेलल के लिए काम करेंगे तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो फिगर देखें, यहाँ पर पैरेलल के लिए काम कर रहे हैं तो ये मेरा रेजिस्टेंस आर वन हो गया, ये मेरा रेजिस्टेंस आर टू, और ये रेजिस्टेंस हो गया आर थ्री, ठीक है। अब इसे मैं जोड़ देता हूं, ठीक है। यहां पर देखिए मेरे पास तीन रेजिस्टेंस है और तीनों को मैंने पैरेलल में जोड़ा है। पैरेलल इसका सीरीज में क्या होता है, इंड टू इंड जुड़ा हो तो पैरेलल ये सीरीज कहलाएगा। इंड टू इंड अगर जुड़ा हो, जैसे स्कूल में आप क्या करते थे कि अगर आप असेंबली में जाते थे तो आप रहते थे, फिर आपके आगे एक बच्चा होता था, फिर आपके आगे एक बच्चा, उसके आगे एक बच्चा, इस तरीके से एक आप रो में खड़े होते थे। तो ये जो रो वाला पैटर्न है, इस रो में क्या होता था कि सारे रो में जितने बच्चे हैं सबका ये राइट हैंड इस तरफ और लेफ्ट हैंड इस तरफ सारे का। तो ये जो रो में आप खड़े हुए हैं ये एक्चुअली पैरेलल कॉम्बिनेशन, आप इसे देख सकते हैं। और वही अगर आप अपने ठीक बगल वाले रो के क्लास के रो वाले को देखें अगर, तो ये सब आप अगर कहेंगे हाथ पकड़ के एक चेन बनाइए, तो चेन होगा कि आपका राइट हैंड होगा तो उसका लेफ्ट हैंड होगा। तो इस तरह से लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन वाला कहलाता है, मतलब इंड टू इंड सीरीज, और जो सेम इंड एक तरफ और सेम इंड एक तरफ तो वो कहलाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर वोल्टेज है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया आर वन, ये रेजिस्टेंस हो गया आर टू, ये रेजिस्टेंस हो गया आर थ्री। अब यहाँ से जब हम करंट भेजेंगे तो ये करंट जब यहाँ जाएगा तो इस करंट के पास, मतलब चार्ज जो भेजेंगे उस चार्ज के पास तीन रास्ते, तीनों रास्ते में वो बढ़ जाएगा। तो जो चार्ज R1 वाले रास्ते में गया वो I1 हो गया और फिर इधर लौटेगा I1, ठीक है। जो I2 वाले रास्ते में गया वो I2 हो गया, जो I3 वाले रास्ते में गया वो I3 हो गया, और फिर सब यहां पर निकलकर टोटल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, I में, ठीक है। अब लेकिन एक चीज देखें कि सारे रेजिस्टेंस का जो सेम इंड है वो एक ही समय में वोल्टेज से जुड़ा हुआ है, तो इस वजह से इस सारे रेजिस्टेंस के पास वोल्टेज कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो यहां पर हम पैरेलल के लिए कंडीशन लिख सकते हैं कि आई जो होगा वो डिफरेंट होगा,
ठीक है, डिफरेंट होगा, लेकिन जो V है वो क्या होगा, सेम होगा। यहां पर देखें सीरीज में I सेम V डिफरेंट, और पैरेलल में क्या है, I डिफरेंट V सेम हो जाएगा। अब यहां पर अगर हम सारे के लिए पर्सनली काम करें, ओम्स लॉ लगाएं, अगर हम R1 के लिए, तो R1 के लिए अगर हम ओम्स लॉ लगाएंगे तो ये हो जाएगा एक्चुअली में I1 इज इक्वल टू, ठीक है, फॉर R1, R1 के लिए हम काम कर रहे हैं तो I1 इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R1। अगर हम R2 के लिए काम करें फॉर R2, तो I2 हो जाएगा V अपॉन R2। और अगर हम R3 के लिए काम करें फॉर R3, तो ये हो जाएगा I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3। अब देखें तो अगर हम पूरे सर्किट के लिए काम करें तो I इज इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। फिर से यहां पर देखें, जैसा मैंने यहां V टोटल, I टोटल और R टोटल वाला कंसेप्ट यूज करा है, उसी तरीके से I टोटल इज इक्वल टू V टोटल बाई R टोटल आ जाएगा। तो यहां पर अगर हम वैल्यू पुट करें तो I की जगह लिख देंगे V अपॉन R, और सारा रेजिस्टेंस किस में जुड़ा हुआ है, पैरेलल में, इस वजह से P लिखे, यहां सीरीज में था इस वजह से सीरीज में R इस लिखे थे। अब यहां पर I1 का वैल्यू पुट कर देंगे तो V अपॉन R1, यहां पर पुट कर देंगे V अपॉन R2, और यहां पर पुट कर देंगे तो V अपॉन R3। अब देखें सब में से V अगर हम कॉमन लेकर कैंसिल कर दें तो फाइनली जो हमारे पास फॉर्मूला आएगा वो हो जाएगा 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो ये पैरेलल का फॉर्मूला है, ठीक है। अब अगर आप देखें, ठीक है, पैरेलल का फॉर्मूला है, तो अगर आप देखेंगे कि ये जो RP हो गया है, ठीक है, तो ये रेसिप्रोकल कर जोड़ना है। तो इस कंडीशन में जैसे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस हाई था, तो इस वाले कंडीशन में क्या हो जाएगा कि रेजिस्टेंस इज लो, रेजिस्टेंस लो होगा तो आई इज मैक्सिमम, और आई क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो ये हमारे पैरेलल का फॉर्मूला आ गया, इसी में हम एन के लिए यूज करेंगे तो डॉट 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 एन तक चला जाएगा, और ये हमारा सीरीज में आ जाएगा। तो ये सीरीज का फॉर्मूला हो गया और ये पैरेलल का फॉर्मूला हो गया। अब इस दोनों को अगर हम कंबाइंड कर दें, जैसे यहां पर ये सीरीज में जुड़ा हुआ है, इसी में अगर हम एक रेजिस्टेंस ऐसे जोड़ दें, तो यहां पर देखिए कि ये R4 है, तो ये R4 और R2 एक दूसरे के साथ किस में, पैरेलल में। फिर ये और ये R1 और R3, ये दोनों इसके साथ किस में, तो ये दोनों इसके साथ सीरीज में। तो इस तरीके से ये मिक्स वाला कंसेप्ट आ जाता है। तो हमने इस वीडियो में क्या क्या समझा, हमने समझा रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन को, जो जो था सीरीज, पैरेलल और मिक्स। तो सीरीज के लिए जो फॉर्मूला आएगा वो, पैरेलल के लिए जो फॉर्मूला आएगा वो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहेगा, वी डिफरेंट रहेगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आई करंट डिफरेंट रहेगा, वी सेम रहेगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और करंट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि करंट आपका कम हो जाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ ये है कि आप सीरीज और कॉम्बिनेशन, एक चीज़ जो ये इम्पॉर्टेंट है, आपके घर में जो वायरिंग होता है वो एक्चुअली में किस तरह का कंसेप्ट है, वो सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये एक सवाल है मेरा आपसे। आप इसके ऊपर जवाब दें अपना कमेंट बॉक्स में, और फिर मैं इसके ऊपर एक वीडियो छोटा सा बनाकर डालूंगा कि एक्चुअली में जो हाउस वायरिंग होता है वो एक्चुअली में होता कैसे है, और उसमें सीरीज कॉन्सेप्ट यूज़ होता है या पैरेलल कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। ये मेरा आपसे एक सवाल है, जो आप इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह अपने फिजिक्स के नॉलेज को बढ़ाते रहें और मेरे साथ फिजिक्स पढ़ते रहें। अपना ख्याल रखें, गुड बाय एंड खुदा हाफिज़।